हेलो क्लास टेंथ वी आर डूइंग एक्सरसाइज एट पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर फाइव फिफ्थ पार्ट इससे प्रीवियस वीडियोस अपलोड हो चुकी है यू कैन चेक देअ देखिए यहाँ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन और हमें प्रूफ करना है कॉसक ए प्लस कॉट ए वैसे तो हम बोलते हैं कि कॉस और साइन की टर्म में हर क्वेश्चन को लाओ बट हमें यहाँ पर कॉसिक और कॉर्ट चाहिए तो इसे कॉसक में लाना होगा जैसे कि एक और कॉट अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर देती हूँ कॉस को तो ये कॉट हो जाएगा साइन को वन साइन से डिवाइड कर दिया वन और वन बाय साइन तो हम क्या कर रहे हैं न्यूमिरेटर एंड डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए देखो लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए कॉसे बाय साइन ए माइनस साइने बाय साइन ए प्लस वन बाय साइने सबको साइन से डिवाइड कर दिया तीनों को ऐसे डिनामिनेटर में कॉ से बाय साइने प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस वन बाय साइन ए यहाँ तक क्लियर कॉसे बाय साइन ए कॉट ए होते हैं कॉट में कन्वर्ट हो गया साइन से साइन कैंसिल वन बचा वन बाय साइन ए कौ के होते हैं डिनिनेटर कॉस बाय साइन काट ए प्लस साइन बाय साइन वन माइनस वन बाय साइन कॉसेक ए ओके अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए को तो मैं एक साथ लिख रही हूँ और जो ये माइनस वन है इसको मैं सेपरेट लिख रही हूँ डिनोमिनेटर सेम अब ऐसा क्यों किया मैंने वन को सेपरेट क्यों किया मुझे पता है कि एक आइडेंटिटी होती है कॉसिक स्केयर माइनस कॉट स्केयर जो है वो वन के इक्वल होता है तो इस वन की जगह ये वन के इक्वल है इस वन को इससे रिप्लेस कर रही हूँ आइडेंटिटी से यानी क्या बन गया कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ओके उसके बाद आगे है कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है एक बार ए माइनस बी एक बार एक प्लस बी यानी एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं और एक बार इसको प्लस में लिख देते हैं ठीक है डिनोमिनेटर सेम अब यहाँ से क्या लग रहा है मुझे कि कॉट ए प्लस कॉसे के इसमें भी है और इसमें भी है दोनों में ये कॉट ए प्लस के कॉमन हो गया इसको बाहर ले लिया कॉट ए प्लस कॉसक ए कॉमन इस पूरी टर्म में था ही एक चीज़ तो ये जब बाहर चला गया तो अंदर सिर्फ वन बचा माइनस इसमें क्या बचा बाहर माइनस है ये तो बाहर जा चुका है कॉमन में ये पार्ट बचा बाहर माइनस है इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉसक ए और बाहर माइनस है तो ये प्लस कॉट ए और वो वाला पार्ट ऑलरेडी कॉमन में बाहर आ चुका है यहाँ पे और डिनोमिनेटर सेम है वही ऊपर वाला ही कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसक ए नोटिस करो कि ये दोनों सेम है देखो कॉसिक नेगेटिव कौसक ए नेगेटिव कॉट ए पॉजिटिव कॉट ए पॉजिटिव वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया तो बचा क्या कॉट ए प्लस कॉसक ए यही हमें प्रूफ करना था यही हमारी राइट हैंड साइड है ओके दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन क्वेश्चन फाइव एंड क्वेश्चन फाइव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइट